Very good afternoon, student. Today is 24/6/2020, and we will discuss about the work done by impeller of a centrifugal pump on water. Work done by impeller. Work done by impeller by centrifugal pump. By centrifugal pump. On water. Okay, so ये जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, जैसे कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कंस्ट्रक्शन हम लोग स्टडी किए हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पंप रहता है, जो इंपेलर रहता है, वो इंपेलर एक शाफ्ट के मोटर का शाफ्ट के साथ अटैच रहता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर जब स्टार्ट होता है, ऑन होता है, तो वो शाफ्ट रोटेट करता है, तो मेरा इंपेलर को रोटेट करता है, जब इंपेलर रोटेट होता है तो उस पंप के अंदर एक सक्शन क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, सो दैट कि जब नीचे जो टेल रेस है वो टेल रेस से जो हाई प्रेशर में जो वाटर रहता है वो हाई प्रेशर वाला वाटर सक्शन पाइप के थ्रू से वो ओके पंप के अंदर पहुंचता है, और पंप के अंदर वो क्या होता है कि ड्यू टू द इंक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया जो फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और प्रेशर एनर्जी से वो फ्लूइड डिलीवरी वाल्व से फ्लो हो जाता है। तो ये था बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम था वो। अब मैं आ रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग प्रिंसिपल, आई मीन व्हाट इज द वर्क डन। जैसे कि हम लोग पेल्टन टरबाइन, फंसी टरबाइन, कपलन टरबाइन एंड इंपैक्ट ऑफ जेट में हम लोग हर एक चीज के लिए ब्लेड्स के ऊपर जब कोई फ्लूइड जाके स्ट्राइक करता है तो ब्लेड्स के ऊपर मेरा क्या वर्क डन होता है, क्या पावर होता है, क्या एफिशिएंसी होता है, वो हम लोग ऑलरेडी पहले पिछला जितना वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्क डन डिस्क्राइब डिस्कशन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कैसे ये निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंपेलर में वाटर इंटर्स द इंपेलर रेडियली। जब भी वो रेडियली इंपेलर के अंदर एंट्री कर रहा है, मतलब ये जो वाटर एंट्री करेगा, दिस इज माय बी वन हियर, दिस इज माय बी वन, दिस इज माय रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में, ये ब्लेड के डायरेक्शन में, ये ब्लेड का अगर रेडियस मैं इस तरीके से देखूंगा तो ये इसका रेडियल डायरेक्शन है, राइट। तो रेडियल डायरेक्शन में वाटर इस इंपेलर के अंदर एंट्री करेगा। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 90 डिग्री। ये पहला एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मेरा जो गाइड ब्लेड एंगल वो मेरा 90 डिग्री हो रहा है, बिकॉज फ्रांसिस टरबाइन, कपलान, पेल्टन, इंपैक्ट ऑफ जेट, ये सारा चीज के ऊपर, सारा चीज में जो मेरा आउटलेट जो बीटा था, मतलब जो आउटलेट मेरा एंगल था, गाइड ब्लेड आउटलेट गाइड ब्लेड एंगल था, वो था मेरा 90 डिग्री होता था। बट ये एक ऐसा पहला एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो इनलेट जो एंगल है, इनलेट जो ब्लेड एंगल है, वो मेरा है 90 डिग्री। अगर अल्फा मेरा 90 डिग्री हो जाता है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ BW1? BW1 का वैल्यू मेरा क्या होगा? BW1 का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मेरा बीटा मेरा 90 डिग्री होता था उस टाइम मेरा क्या होता था, उस टाइम मेरा ये जो BW2 है, ये BW2 मेरा 0 होता था। बट जब अल्फा 90 डिग्री हो गया है तब मेरा क्या 0 होगा, इनलेट जो वॉल वेलोसिटी है वो मेरा 0 बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो जो मेरा टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल V1, यहाँ पे V1 is equal to VF1 है, मतलब जो absolute velocity है that is equal to the flow velocity, so V1 is equal to VF1 and so V1 is equal to what? V1 is equal to absolute velocity and VF1 is equal to flow velocity, flow velocity. ओके, सो V1 हो गया है, BF1 हो गया है, अब U1 equals to what? This is my U1. U1 equals to peripheral velocity of impeller at inlet. Okay. So, peripheral velocity of impeller at inlet, इसका value क्या है? इसका value होगा pi of D1 into N by 60. Here it is the R1. R1 means the radius of the inlet, radius of the
रनर, सो आर वन मतलब उसका डायमीटर होगा तो पाई डी वन इन बाय 60. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी आर वन? बी आर वन, बी आर वन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट. ओके, सो वी आर वन मेरा हो गया है, यू वन हो गया है, बी वन बी एफ वन हो गया है. ऑपोजिट आउटलेट में भी मेरा सेम चीज है, आउटलेट में क्या है अच्छा बी डब्ल्यू वन मतलब व्हिच इज माय वॉल वेलोसिटी, बी डब्ल्यू वन वेलोसिटी ऑफ वॉल एट इनलेट टिप दैट इज इक्वल्स टू 0. आउटलेट में बी डब्ल्यू टू दैट इज वॉल वेलोसिटी, वी टू दैट इज माय एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो मेरा आउटलेट में है, दिस इज माय वी एफ टू दैट इज माय फ्लो वेलोसिटी, दिस इज माय वी आर टू दैट इज माय रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज अ फाई, दिस इज अ रनर आउटलेट एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज द रनर इनलेट एंगल, दिस इज अल्फा इनलेट ब्लेड एंगल, दिस इज बीटा आउटलेट ब्लेड एंगल. ओके, तो ये मेरा सारा सारा पॉइंट्स का जो मेन है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी वन? डी वन मतलब डायमीटर ऑफ इंपेलर एट इनलेट, जो भी होगा या तो इनलेट वन के लिए इनलेट यूज करेंगे, टू के लिए आउटलेट यूज करेंगे. ठीक है, सो डी वन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इनलेट इंपेलर एट इनलेट, डी टू इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इंपेलर एट आउटलेट. ओके, तो अब मैं आऊंगा कि मेरा ये थीटा अल्फा बीटा फाई ये भी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं. अब मैं डायरेक्ट आऊंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जब मेरा फ्लूइड जाके मेरा इस रनर का ब्रेक पे जाके स्ट्राइक करता है तो उसका फोर्स का वैल्यू कितना होता है वो हम लोग अभी देखेंगे. तो एफएक्स, सॉरी यहाँ पे मैं अभी एफ ही लिखूंगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा? फोर्स का वैल्यू होगा माइनस ऑफ रो इनटू क्यू, माइनस ऑफ रो इनटू क्यू बिकॉज दिस इज अ रो इनटू क्यू, सॉरी मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी डायरेक्ट वॉकडन में निकालूंगा. वॉकडन इक्वल्स टू क्या है? फोर्स इनटू यू वन, राइट. अगर मैं फोर्स बनाता तो फोर्स इज इक्वल टू मेरा क्या होता? रो ए बी, रो ए बी वन, राइट. रो ए बी वन इज इक्वल इनटू क्या होता है मेरा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे क्या है? इनिशियल मोमेंटम है मेरा वी डब्ल्यू वन माइनस ऑफ वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू वन माइनस ऑफ वी डब्ल्यू टू. इसको हम लोग को माइनस करना पड़ता है, इसीलिए माइनस है, नेगेटिव कर नेगेटिव है क्योंकि ये बेसिकली रिवर्स है. रेडियल इन केस ऑफ रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन द वर्क डन बाय वाटर ऑन द रनर पर सेकेंड इक्वल्स टू रो क्यू वी डब्ल्यू वन वी डब्ल्यू यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू. सिंस सेंट्रीफ्यूगल इज जस्ट रिवर्स ऑफ ए रेडियल इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. मैं और एक बार ध्यान से देखूंगा, तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि मेरा ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है थोड़ा सा मैं रेडियल इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन में जाऊंगा तो वहां पे क्या होता है? मेरा फ्लूइड फ्लो करता है रेडियली एंड आउटलेट होता है मेरा एक्सजीएल, राइट. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप मेरा रिवर्स है. रिवर्स होने के वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप मेरा रिवर्स होने के वजह से मतलब फुल्ली रिवर्स ऑफ इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टर्बाइन, राइट. तो उसका रिवर्स होने के वजह से उसका अल्फा उस कंडीशन में रेडियल इनवर्ट फ्लो रेडियल रिएक्शन टर्बाइन का बीटा का वैल्यू कितना था? मेरा 90 डिग्री था. यहां पे अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द वर्क डन? द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इक्वल्स टू रो इनटू ए इनटू वी1 इनटू वी डब्ल्यू1 इनटू यू वी डब्ल्यू1 सॉरी वी डब्ल्यू2 इनटू यू2 VW2 into U2 minus VW1 into U1. Rho AB1 into VW2 into U2 minus VW1 U1. But centrifugal pump के लिए alpha का value कितना है? 90 degree है. और VW1 का value कितना है? 0 है. So इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? W equals to Rho Q. AB1 को हम लोग Q लिख सकते हैं. Rho Q into VW2 U2. So this is the value of the actual work done. Work done by the impeller per second, that is rho, W is equal to rho into Q into VW to U2. अब यही work done को work done by impeller per second मतलब weight के respect में अगर मैं convert करता हूँ
तो मैं किस तरीके से लिखूंगा वो देख लो। अगर मैं कैपिटल W इज इक्वल टू रो इनटू G इनटू Q इनटू VW टू U2 लिखता हूं, साथ में अगर G को एक डिवाइड करता हूं, तो ये जो रो G वाला पार्ट है ये मेरा क्या बन रहा है, स्मॉल W इनटू G इनटू VW2 इनटू U2 डिवाइडेड बाय सॉरी स्मॉल W इनटू Q डिवाइडेड बाय G, ये मेरा बन रहा है। तो ये मेरा बेसिकली वेट के रिस्पेक्ट में होगा, वेट के रिस्पेक्ट में मतलब वर्क डन बाय इंपेलर, वर्क डन बाय इंपेलर पर सेकंड, वर्क डन बाय इंपेलर पर सेकंड, वेट ऑफ द वाटर इक्वल्स टू व्हाट, वेट ऑफ द वाटर इक्वल्स टू W इनटू Q। अब यार देखो ये मेरा स्मॉल W है, ये वाला पार्ट को मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा स्मॉल W है, स्मॉल W इज इक्वल टू रो इनटू G, और Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है वॉल्यूम बाय T, मैं लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय T। सो यहां पे क्या दिया हुआ है, स्मॉल W इनटू Q है, तो इसको मैं लिख सकता हूं रो G इनटू वॉल्यूम बाय T। सो रो का मतलब क्या है, m बाय v इनटू G इनटू v बाय T, सो v भी कट जाएगा तो क्या आएगा mg बाय T। तो इसका मतलब क्या हुआ, W by capital W by T मतलब weight per second, weight per time, तो work done by impeller, work done by impeller per second is equal to, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला terms को मैं लिख सकता हूँ, work done is equal to capital W into VW to U2 divided by G, ये वाला terms लिख सकता हूँ। और अगर मुझे unit weight के लिए define करने बोलेगा, ध्यान देना यहां से W is equal to rho g q, मैंने क्या g को ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया नीचे मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने इसको स्पेसिफिक वेट बनाया, स्पेसिफिक वेट इनटू डिस्चार्ज, अब स्पेसिफिक वेट का वैल्यू ये है, डिस्चार्ज का वैल्यू ये है, उसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, वेट बाय टाइम मतलब वेट पर सेकंड। अब दिस इज माय वर्क डन बाय इंपेलर ऑन सेक, वर्क डन ऑन इंपेलर पर सेकंड, ये मेरा हो रहा है कैपिटल W into VW to U2 by G। अब अगर मुझे इसको यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में बनाना है तो यूनिट वेट के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूं, कैपिटल वर्क डन कैपिटल W इज इक्वल टू VW2 into U2 by G, राइट। तो ये मेरा बेसिकली बना मेरा वर्क डन पर यूनिट वेट, ये मेरा बना वर्क डन बाय इंपेलर पर सेकंड, ये मेरा बना वर्क डन बाय इंपेलर पर यूनिट वेट पर सेकंड, ये मेरा बना वर्क डन by impeller per second हुआ। अब what is the value of discharge, कुछ formulas हम मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये formulas को apply करके हम लोग centrifugal pump related जो भी numerical से वो numerical को study कर सकते हैं। तो पहला बात है मेरा work done का actual formula W equals to rho into Q into VW to U2, अब capital W is equal to G को multiply किया rho GQ into VW to U2 by G, जी जी अरे यहाँ पे रोजी मतलब स्पेसिफिक वेट हो गया स्मॉल डब्ल्यू इनटू क्यू इनटू वीडब्ल्यू टू बाय यू, स्मॉल डब्ल्यू इनटू क्यू को यहाँ से मैं कैलकुलेशन किया तो वेट बाय टाइम आया है, तो वर्क डन बाय इंपेलर पर सेकंड का वैल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इनटू वीडब्ल्यू टू यू टू बाय जी, अब वर्क डन बाय इंपेलर पर यूनिट वेट पर सेकंड का वैल्यू कितना आया, वीडब्ल्यू टू यू टू बाय जी। तो ये एक मेरा वर्क डन का फॉर्मूला आया। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला है pi into d into b into vr1, q is equal to pi into d into b into vr1, pi into d into b into vr1, ये मेरा discharge का formula है, pi into d into b into vr2, pi d b vr1, pi d b vr2, मतलब यहाँ पे ये inlet के लिए है और ये मेरा आउटलेट के पाई डी वन बी वन बी आर वन इज इक्वल टू पाई डी टू बी टू बी आर टू, ये मेरा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है। अब मैं निकालूंगा कि व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप, पावर रिक्वायर्ड, पावर के लिए क्या करते हैं हम लोग, पावर के लिए हम लोग यूज करते हैं कि उसको जो भी मेरा वर्क डन है उसको हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है, स्मॉल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू small w into q vw to u2 divided by g, ये मेरा formula आया है। तो यही basically मेरा power है, so power is equal to small w into q into vw to u2 divided by g newton meter per second, ये मेरा power का formula है। अगर इसको मैं 1000 से divide करूंगा तो basically newton meter per second और watt, और अगर इसको 1000 से divide करूंगा तो मेरा क्या आएगा, small w into q into VW2 U2 divided by G
इनटू डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू किलोवाट, मतलब किलोवाट में अगर करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर वाट में बनाना है तो जो मेरा वाट है उसको ही हम लोग पावर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली फॉर्मूला था। अब मैनोमेट्रिक हेड के हिसाब से मेरा पावर का फॉर्मूला क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के रिस्पेक्ट में, मैनोमेट्रिक हेड के हिसाब से फॉर्मूला होगा P is equal to capital P is equal to small W into Q into manometric head divided by overall efficiency. P is equal to small W into Q into manometric head divided by overall efficiency. ये सब का जो derivation है, ये derivation तुम लोगों का syllabus का part नहीं है। ये जो भी formulas मैंने यहाँ पे show कर रहा हूँ वो फॉर्मूलाज को स्टडी कर लो। ये फॉर्मूलाज को अगर स्टडी करोगे तो आप तुम लोग का जो सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल सामने आएगा वो न्यूमेरिकल को भी हम लोग अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये मेरा एक वर्क डन का फॉर्मूला है, ये मेरा एक वर्क डन का फॉर्मूला है जिसमें ये स्मॉल क्यू स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट यूज किया गया है, ये मेरा कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू इनटू बी डब्ल्यू यू टू बाय जी, ये मेरा है वर्क डन बाय इंपेलर पर सेकेंड जिसमें मैं वेट को कंसीडर किया हूँ, और ये मेरा एक फॉर्मूला है जहाँ पे वर्क डन बाय इंपेलर पर यूनिट वेट पर सेकेंड के लिए बी डब्ल्यू टू यू टू बाय जी, ये मेरा है डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू पाई इनटू डी वन इनटू बी वन इनटू बी आर वन इज इक्वल टू पाई इनटू डी टू इनटू बी टू इनटू बी आर टू, ये मेरा पावर का फॉर्मूला है। अगर मैं 1 किलोवाट में अगर मुझे वाट में आंसर निकालना है तो ओनली दिस इज माय this is my power, work done is equal to this is my power, इसको अगर 1000 से distribute करेंगे तो वो मेरा kilowatt में power show करेगा। अब मैं आऊंगा efficiency of a centrifugal pump, कितना type का मेरा efficiency होता है। efficiency of a centrifugal pump कितना टाइप का एफिशिएंसी होता है, तीन टाइप का एफिशिएंसी होता है। फर्स्ट वन इज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, सेकंड वन इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड वन इज ओवरऑल एफिशिएंसी। सो मैनोमेट्रिक मैकेनिकल एंड ओवरऑल, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू है मैनोमेट्रिक हेड divided by work done by impeller, divided by work done by impeller, work done by impeller, manometric head divided by work done by impeller, so manometric head equals to मैं क्या लिख सकता हूँ, hm लिख सकता हूँ, manometric head जिसका मतलब है वही v square by 2g plus vd square by 2g plus hfs plus hfd plus vs plus vd, इस तरीके से हम लोग manometric head को define किए थे। कुछ दिन पहले जब मैं हेड का सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड के बारे में डिस्क्राइब किया था तो वहां से मेरा मैनोमेट्रिक हेड एचएम डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय इंपेलर, वर्क डन बाय इंपेलर मेरा कितना है VW1 VW2 U2 डिवाइडेड बाय G, ये मेरा वर्क डन पर इंपेलर है क्योंकि वर्क डन पर इंपेलर पर यूनिट वेट पर सेकंड, वर्क डन पर इंपेलर पर यूनिट वेट पर सेकंड, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा G into H of M divided by VW to U2. तो ये मेरा basically manometric efficiency का formula है. Manometric head divided by work done by impeller. Mechanical efficiency का क्या formula है? Mechanical efficiency का formula है power transmitted by impeller to water. Power transmitted by impeller to water. Okay. Power transmitted by impeller to water. ये मेरा आउटपुट है डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द इंपेलर राइट। तो ये मेरा एक मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला है, इसको अगर मैं फार्मूला पुट करूंगा तो मेरा क्या होगा पावर ट्रांसमिटेड बाय इंपेलर और टू वाटर, इसका फार्मूला है मतलब ये बेसिकली मेरा वर्क डन है क्या है स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल क्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू मेरा स्पेसिफिक वेट है डिवाइड बाय जी इंटू
VW2 into U2, right? Divided by power available at the shaft of the impeller. इसका मतलब ये क्या है? ये basically मेरा shaft power है. तो मुझे numerical mechanical efficiency निकालने बोलेगा, तो मेरा ये shaft power का value numerical में दिया हुआ रहता है, और ये मेरा basically work done है. अब मैं निकालूंगा overall efficiency. Overall efficiency is equal to output power of the pump, output of pump divided by shaft divided by input of pump divided by input of pump. तो input of pump में क्या है? जो मोटर का शाफ्ट है, वो मोटर का इलेक्ट्रिक मोटर ऑन होते ही तो मेरा पंप का इंपेलर रोटर करना शुरू करता है. तो इनपुट ऑफ द पंप क्या होगा? जो मोटर में मेरा पावर है, तो दैट इज माय शाफ्ट पावर. तो ये वाला पार्ट मेरा शाफ्ट पावर है. और आउटपुट ऑफ द पंप क्या है? आउटपुट ऑफ द पंप है मेरा जो मेरा स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच एम, स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच एम, ये मेरा है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर, मतलब शाफ्ट पावर. तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच एम. और मैं अगर इस तीनों के बीच अगर कोई रिलेशन में ढूंढूंगा, तो रिलेशन है ईटा ओवरऑल इक्वल्स टू ईटा मैनोमेट्रिक इंटू ईटा मैकेनिकल इंटू ईटा मैकेनिकल. तो ये तीन एफिशिएंसी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. फॉर्मूला मैनोमेट्रिक के लिए जी इंटू एच एम डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू यू टू, मैकेनिकल के लिए स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू बाई जी इंटू वी डब्ल्यू टू यू टू बाई शाफ्ट पावर, ओवरऑल के लिए स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच एम डिवाइडेड बाई शाफ्ट पावर. ये तीन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा. सो मैं अभी नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई क्लास. So if you have any doubt regarding this, the work done formulas and the centrifugal pump ka efficiency ka formula, agar koi bhi doubt rehta hai, to aaj ka jo June class hai, wo June class mein tum log mujhe apna doubt ko clear kar lena. Aur iske baad hum log NEET positive suction head and multi-stage and performance characteristic, ये सब स्टडी करने के बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का न्यूमेरिकल में जाएंगे, और हम लोग फ्रांसिस टरबाइन का वर्चुअल लैब भी करेंगे, कपलन का वर्चुअल लैब करेंगे, एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी वर्चुअल लैब करेंगे. सो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस को. सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास. सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय वीडियो लेक्चर. हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.